सीओ गाजीपुर के निर्देशन में एसएचओ इंदिरा नगर संतोष कुशवाहा और इनकी टीम ने गुड वर्क किया है। सूचना मिली थी कि एक ट्रक HR46C4189 इसमें शराब की सूचना मिली थी। पुलिस द्वारा इसको इंटरसेप्ट किया गया है और इसमें देखा गया कि नीचे भूसा था, फिर अवैध शराब थी और ऊपर से फिर भूसा था। मौके पर ही जो ड्राइवर अभियुक्त है आनंद सिंह, इसको गिरफ्तार किया गया है। सोनीपत हरियाणा का रहने वाला है। इस ट्रक में 1100 पेटी शराब मिली, जिसमें लगभग 55,200 पौवे थे और ये 13,800 लीटर लगभग ये शराब है, जिसकी कीमत 45 लाख से 50 लाख के बीच में है। इनके दो और अभियुक्त हैं, वो अभी फरार हैं। इनके नाम हैं विकास और धर्मवीर। और इस पूरे नेटवर्क को और हम लोग कई सबूत हम लोगों को मिले हैं। हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इस नेटवर्क का पर्दाफाश किया जाए। फिलहाल इसमें जो है अंतर्गत धाराएं एक्साइज एक्ट की और 420/67/68/71 क्लेम की गई हैं। 72 एक्साइज एक्ट के अंतर्गत जो है इस ट्रक को भी सीज किया जाएगा। और पूरा जो एक अभियान चलाया गया है महीने भर का, हम लोग स्पेशल फोकस कर रहे हैं कि इस तरह के अवैध शराब का जो संचरण हो रहा है इस पर किस तरह काबू पाया जाए। और ये खुशी की बात है कि सीओ क्राइम द्वारा इस तरह का वर्कआउट यहाँ पर किया गया है। पूरी टीम को इनाम दिया जा रहा है। सर, ये कहाँ पे डिलीवरी होनी थी और कैसे लगता है? ये हरियाणा से जो कि अब तक बताया गया है ये अरुणाचल ले जाई जा रही थी, लेकिन हाँ बीच में इसके पिलफरेज के और इसका दूसरी जगह भी इस्तेमाल होने के चांस से इनकार नहीं किया जा सकता है। आज शाम को 4 बजे के लगभग ही ये पूरी धरपकड़ चली है और जैसे कि आगे सूचना मिलती जाएगी और सबूत मिलते जाएंगे आप सबको अवगत कराया जाएगा। ठीक है।